हाय फ्रेंड, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। क्या आप लोग जानते हैं हमारे शरीर की शक्ति, हमारे शरीर की जो ताकत है, हमारे सांस और फेफड़ों की ताकत पर निर्भर करती है। आज मैं आपको आपके फेफड़े और की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सांस को बढ़ाने के लिए मैं आपको ऐसे कुछ योगा बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके, जिसको आप करके अपनी सांस की और फेफड़े की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपको रोज पर डे एवरी डे आपको इंक्रीज होना शुरू होगा। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं, दो चीज़ आपको छोड़नी होगी। अगर आप करते हैं तो दो चीज़ आपको छोड़नी होगी। पहली बात, आप जंक फूड खाते हैं, तेल से तला हुआ, जैसे आप लोग आजकल बहुत से ठेले पे, लड़के लोग क्या है गया हमारे जैसे, आप लोग जैसे जाते हैं बाजार में ठेले पे खाते हैं, तला हुआ फास्ट फूड खाते हैं, तो जंक फूड तला हुआ फूड आपको खाना छोड़ देना होगा। और दूसरी बात, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी से ही हमारे शरीर में ताकत मिलती है, हमारे शरीर को ताकत बढ़ाती है। अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो ये योगा आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा इसको करने से। ये दो चीज़ आपको लाजिम छोड़नी होगी। अगर आप करते हैं तो खाना और ये चीज़ करते हैं तो आपको लाजिम छोड़नी होगी। अगर आपने ये छोड़ा तो वैसे ही हो जाएगा जैसे बिना ग्रीस का मशीन चलता है, बस घिसते रहो। सो आपको इसको करने के लिए ये दो चीज़ छोड़नी होगी। आपको सुबह क्या करना होगा, सुबह मॉर्निंग टाइम में आप उठो, उठने के बाद फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद एक चटाई लो, और आपका तो फ्लोर होगा या छत होगा या चाहे खुले जगह पर, आप जाके चटाई को बिछा लो। चटाई पर बिछा के आप सांस को लंबे, मतलब अपने सांस को एकदम से धीरे धीरे अपने सांस को अंदर लो, अपने सांस को अंदर लो, ठीक है। और जब पूरी तरह से आप सांस को अपने अंदर ले लोगे तो जाहिर है कि अपने नाक से ही सांस को छोड़ोगे। फिर धीरे धीरे आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, आप स्टार्टिंग में तो आप ज़्यादा देर तक अपनी सांस को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो आप कम से कम स्टार्टिंग में 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड तो इतना रोक ही सकते हैं। हाँ, अगर आप 1 मिनट तक आपने रोक लिया सांस को तो गुड न्यूज आपके लिए, इससे आपको अच्छी सीख मिलेगी। क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम में जो सुबह का ऑक्सीजन होता है, जो हमारे शरीर में लगता है, तो हमारे शरीर का बदलना शुरू रहता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। सुबह मॉर्निंग का ऑक्सीजन जो है वो शरीर में लगता है, तो हमारे शरीर का बदलाव अलग ही हो जाता है। वो एवरी डे इंक्रीज करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। आज आपने 30 सेकेंड रोका तो कल 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, इससे आपको एवरी डे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ताकत मिलते रहेगा आपको शरीर को, कि मैंने आज इतना देर तक सांस रोका तो कल इसे ज़्यादा रोकूंगा। इससे क्या आएगा, आपकी फेफड़े मजबूत होगी, आपकी सांस रोकने की क्षमता ज़्यादा ही मजबूत होगी। क्योंकि मैंने देखा, जब इस समय हमारा कोविड टाइम, कोरोना काल आया था, उसमें बहुत लोगों को इसका प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम हो गया था। जब ये कोरोना जिसको पॉजिटिव हुआ तो सांस का ही प्रॉब्लम, सांस के प्रॉब्लम से ही बहुत लोगों का जान गई थी, क्योंकि उन लोगों का तो कैपेसिटी बहुत ही कम था, जो सांस लेने, जिनका सांस लेने प्रॉब्लम हो गया उसका बहुत लोगों का मतलब डेथ हो गया था, जो भी ये प्रॉब्लम हुआ था कोरोना की वजह से। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप रोज करते हैं तो एवरी डे इंक्रीज करें, सांस को ले और सांस को छोड़े। जब आप एक बार सांस को अंदर लिए, 2-5 सेकंड, 2 सेकंड का बाद 2 सेकंड सांस को छोड़ दे, उसके बाद 2-5 सेकंड के बाद फिर दोबारा वही करें, अंदर ले सांस को और फिर धीरे धीरे छोड़े। अब कम से कम एवरी डे मॉर्निंग टाइम 5 मिनट करें आप, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट करें एवरी डे। निकाले, एक रूटीन बना लें कि हमको इतना टाइम पर यह करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी है करना है इसको। आप देखिए, आपको रोज एवरी डे आपको एनर्जी इंक्रीज होगी, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, आपके फेफड़े को ताकत मिलेगा, सांस लेने की ताकत मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रजाई में रात को सोते समय ढक लेंगे तो उनको सांस लेने प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता उनके कम है, उनका जो फेफड़े की जो जैसे ऑक्सीजन जो मिलती है उनका कम है, उनके अंदर वो क्षमता उतना ज़्यादा नहीं है सांस लेने की। इसीलिए अगर कंबल ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो उनको सांस लेने में दिक्कत, प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को लिफ्ट में जाते हैं, जब लिफ्ट में अंदर जाते हैं तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को, अगर मान लीजिए सपोज दे, अगर आप अगर लिफ्ट में जा रहे हैं, अगर लिफ्ट को जाना का अगर बंद हो गया, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके फेफड़े में ताकत है सांस लेने की, डायरेक्ट लंबे समय तक आप रुकने की, सांस
आप रुक सकते हैं, रह सकते हैं, तो आपको नो प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। अब बहुत लोगों क्या होता है, अगर लिफ्ट अच्छा बंद हो जाता है तो बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है सांस रोकने की, सांस में फेफड़े में उतनी ताकत नहीं होती कि जो पूरे शरीर को बॉडी को उतने तक कंट्रोल करके रख सके। तो आप इसको अपने फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए, अपने सांसों को मजबूत बनाने के लिए, ज़्यादा देर तक रोकने के लिए आप योगा, ये योगा आप करें एवरी डे। कुंभक पर्याग, आप इसे रोज डेली रूटीन बना लें कि हमको ये करना है। फिर देखिए आपके शरीर में एनर्जी और आपके शरीर का जो सांस है ना, सांस फूलना बंद हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपके अंदर आपको खुद मालूम पड़ेगा, मेरे अंदर ताकत मिल रहा है, मेरे बॉडी को ताकत मिल रहा है। हाँ, मगर दो चीज़ आपको ध्यान में रखना, जो पहली बात मैंने आपको बताया, दो चीज़ छोड़नी होगी। जब आड़ा तीजा खाते, क्या खाते हैं, तेल वगैरह का सामान जो खाते हैं, वो आपको छोड़ना होगा, और दूसरी मास्टरबेशन छोड़ना होगा। फिर देखिए आपके अंदर के जो सांस और आपका फेफड़े की जो ताकत है सांस लेने की, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ये जल्दी मुमकिन नहीं होगा, आपको 1-2 महीने लगेंगे, इसके बाद आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपके शरीर में कितनी सांस लेने की क्षमता हो, कितनी ताकत मिल रही है। आप कभी कोई वर्क करेंगे, हार्ड वर्क कितना भी करेंगे, आपको सांस नहीं फूलेगा, फूलेगा थोड़ा कम फूलेगा। तो आप उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी हेल्थ के बारे में कुछ मैं लेकर के आऊँगा, जिससे आप लोगों को, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, जो भी हो, वैसे आज के हमारे अंकल आंटी लोग जो भी है, हमारे बूढ़े लोग जो भी है, उनको बहुत सांस की प्रॉब्लम होती है, दामा का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत लोगों को। तो इसको हम लोग ठीक तो नहीं कर सकते, मैं इसको हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ये योगा करके हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, इस शरीर को फायदे अच्छे भी, ऐसे भी लोग बोलता है सुबह का ताज़ा हवा शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कौन सा पैसा लगना है, सुबह मॉर्निंग टाइम से 5 मिनट देना है, 5 से 10 मिनट देना है आपको शरीर के लिए, क्योंकि आजकल बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको सांस का बहुत प्रॉब्लम, दामे का प्रॉब्लम होता है, क्या कहते हैं, दामे वाला वो पाइप से यूज करते हैं कि सांस का जो प्रॉब्लम होता है पाइप यूज करते हैं, जो सांस का प्रॉब्लम होता है वो पाइप यूज करते हैं। तो आप ये इस योगा करें 100% आप इसको अपने इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, इस योगा करके कि आप 100% दमे की बीमारी को आप कम कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। इस योगा से करने से आपका फेफड़े की जो शक्ति है मजबूत होगी, ज़्यादा इंक्रीज होगा, सांस लेने की कैपेसिटी आपके अंदर ज़्यादा होगा। आप एवरी डे रोज करेंगे इस योगा का, तो 100% आपके अंदर का, शरीर के अंदर का बदलाव आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ इसको, मैं एवरी डे करता हूँ, और मेरे दोस्त लोग वो लोग भी करते हैं, मेरे जो मेरे ज़्यादा ओल्ड के हैं वो लोग करते हैं, एवरी डे योगा करते हैं। और जितने भी हम मेरे मेरे चैनलों का, अगर हमारे जो हमसे ज़्यादा एज वाले हैं, 40 से 50 के हैं, तो वो अगर मेरे चैनल को देख रहे होंगे, इस वीडियो को अगर मेरे देख रहे होंगे, तो कल से योगा करना शुरू करें, जो मैंने ये आपको बताया, योगा करना शुरू करें, और देखिए 1 महीने के अंदर आपका शरीर में ऑटोमेटिक फर्क आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप दामा का पेशेंट हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको भी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर बनाओ, हेल्थ रखो, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका शरीर सही है तो आपको सब कोई पूछेगा, आपका शरीर नहीं है तो कोई कुछ नहीं पूछेगा आपके। बस मैं आज के लिए इतना ही आप लोग को, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। जब तक के लिए जय हिंद।